चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जय हिंद, जय भारत, सभी का स्वागत अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट का आज 9वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। 9वां अध्याय होगा अपना राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। ये क्लास कक्षा 6 के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप राजस्थान में चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नौवां अध्याय, अध्याय 9, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं जिसमें अपन शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा, डाक संबंधी सारी जो जो सेवाएं हैं वो अपन इस क्लास में पढ़ेंगे, और इससे संबंधित किस प्रकार से प्रतियोगिताओं में प्रश्न बनता है उसी की भी साथ में अपन चर्चा करेंगे। तो किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकताएं होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और स्वास्थ्य आदि। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का अपन संक्षेप में इस अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए तो पहले बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के बारे में बता रखा है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार है कौन कौन सी योजनाएं है और किस प्रकार से शिक्षा जो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है इसके बारे में बता रखा है। चलो देखते हैं क्या बता रखा शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, और अतः शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य साधन है। विद्यालय शिक्षा इन सब में सर्वोपरि है। विद्यालय जो शिक्षा है इनमें सब में सर्वोपरि है, सर्वोच्च स्थान पर रहती है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो है सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राज्य में विद्यालय के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक विद्यालय संचालित है, और संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी राज्य में देखने को मिलते हैं, विद्यमान मिलते हैं। टेक्नोलॉजी और मेडिकल डिपार्टमेंट इसमें भी कई संस्थान अपने राजस्थान में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार 2009, शिक्षा का अधिकार 2009 जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो प्रश्न आ जाए कि शिक्षा का अधिकार में किस उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो बताएंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। और इसी के साथ ये तो सरकारी स्कूल में है, और सरकार यह भी प्रयास करती है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसमें भी 25% जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाती है। यस, इस अधिकार से तय आयु के सभी
बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं, चाहे जो भी बच्चा है और उनके जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का भी कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाए, और बच्चे का भी ये जो है मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक की जो शिक्षा वो अनिवार्य रूप से प्राप्त करे। यह अधिनियम बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वही अभिभावक से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करवाने का कर्तव्य भी बनता है। जो अपने मौलिक कर्तव्य है उसमें भी जो 11वां कर्तव्य जोड़ा हुआ है कि प्रत्येक अभिभावक और संरक्षक का कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाए। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। जो सरकार है वो है सभी विद्यालयों में आकर के तो देख नहीं सकती, तो उस सभी विद्यालयों की स्थिति देखने के लिए शाला दर्पण पोर्टल है, इसके माध्यम से सभी विद्यालयों की स्थिति को देखती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ जो स्कूल में जो है 12वीं तक जो अभी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही है, निश्चित आयु तक तो उनको जो है अनिवार्य शिक्षा है निःशुल्क दी जा रही है, फिर बाद में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई जा रही है। विविध प्रोत्साहन भी दिया जाता है, बच्चों को जो है प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और पुरस्कार भी दिए जाते हैं, छात्रवृत्ति भी देती है और छात्रावास, भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। हालांकि अभी बंद कर दिया है राज्य में दुग्ध वितरण। तो प्रोत्साहन, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन, कई सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवा रही है ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके और सभी बच्चों को ये शिक्षा मिल सके। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जाता है, उनको जो प्रोत्साहित देते हैं, किसी को लैपटॉप देते हैं तो किसी को साइकिल देते हैं तो किसी को स्कूटी देते हैं, जिससे मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है कोई बच्चा इस शिक्षा से ना छूटे। बालिकाओं के लिए, बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार का, जिससे बालिकाओं को जो है इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी पुरस्कार दिया जाता है और साइकिलें, स्कूटी इस प्रकार के जो दी जाती है ताकि बालिकाएं भी जो है इस शिक्षा से वंचित ना रह सके। यस, साक्षरता की बात करें, साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल जो साक्षरता प्रतिशत है 66.11 इंपोर्टेंट है, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में बनता प्रश्न है, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है तो 66.11% है राजस्थान की कुल साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है 79.19% है। पुरुष साक्षरता जो मेल है वो साक्षरता जो दर है 79.19 और महिला साक्षरता दर है 52.12%। ये तीनों जो है आंकड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित क्या क्या चीजें दे रखी है। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है और पहला सुख निरोगी काया ये भी कहा जाता है और एक्चुअल में सही भी है, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक कोई सुख नहीं है। तो स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है, जिसमें मेंटल, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य की बात यहाँ पे की जा रही है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को
पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करें तो राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र है। तो यह प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान सरकार में जो राज्य में राजस्थान में 1000 की आबादी पर कौन से जो स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, तो ध्यान रखेंगे 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले गए हैं और 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये भी याद रखेंगे 30,000 की आबादी पर प्राथमिक केंद्र और 1,00,000 की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। तो ये तीनों चीजें याद रखेंगे, 1,000 की आबादी पर तो उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य उप केंद्र है, और 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और 1,00,000 की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकाल की स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। 108 नंबर जो है इमरजेंसी निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर यानी संभागीय स्तर पर है, सभी जगह संभागीय स्तर पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं भी उपलब्ध है। और जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। चलिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की बात करें, कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर रखी है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोच, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अभी 2021 में जो है चालू किया गया था मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, वो भी एक यहाँ उदाहरण देखने को मिलता है कि सरकार जो है प्रत्येक नागरिकों को जो है स्वस्थ रखने के लिए कई सारी योजनाएं चलाए रखी है। हाँ, इसी प्रकार ये जो भी योजनाएं हैं उसकी आगे और डिटेल आएगी, आगे वाली जो कक्षाओं की बुक है अपन देखेंगे तो उसमें और डिटेल आएगी, तो उस समय अपन और इनकी चर्चा करेंगे। अभी तो केवल संक्षेप में नाम आ रहा है, इनकी डिटेल भी आगे वाली कक्षाओं की बुकों में अपन देखेंगे। इसी प्रकार क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन, अल्पता, विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो है औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी तैयार करता है। तो जो है औषधि नियंत्रण संगठन है, किसके अंतर्गत कार्य करता है, स्वास्थ्य विभाग। जो औषधि नियंत्रण संगठन का कार्य क्या है कि दवाइयों का विक्रय लाइसेंस और निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपन ने देखा है कि सरकार जो है जनता के स्वास्थ्य के लिए कई सारी योजनाएं चालू कर रखी है, केवल जनता ही नहीं और पशुओं के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं चालू कर रखी, वो भी आगे वाली कक्षाओं में आएगा। यस, आगे बात करते हैं संचार एवं डाक सेवा। संचार एवं डाक सेवा, वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है।
अतः इस दिशा में राजस्थान में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। कोई भी जो है मैसेज हो जो है भेजना या प्राप्त करना, सूचना भेजनी या प्राप्त करनी और भी जो चीजें हैं वो संचार के अंतर्गत आती है। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों और विचारों को आदान प्रदान करते हैं। जो संदेश और विचार है उसको भेजना या प्राप्त करना, ये चीजें संचार के अंतर्गत आती है। चलो, संचार के साधन कौन कौन से दे रखे हैं? टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन है। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। कौन नहीं जानता है संचार के बारे में? मोबाइल फोन है जो आजकल सबके लिए अति आवश्यक चीज बनती जा रही है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है। राजस्थान में जो है सूचना तकनीकी व संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। ये राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है। राज्य में सूचना संचार से संबंधित जो भी नीतियां है उसका निर्माण और उसको क्रियान्वयन करने का काम किसका रहता है? सूचना तकनीकी व संचार विभाग के द्वारा। एवं सूचना तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को भी तय करता है। जो भी सीमाएं वगैरह है, हर जो कंडीशन और बाउंड्री रहती है वो भी निर्धारित करता है सूचना तकनीकी संचार विभाग कार्यरत। उसी में देखा जाए डाक सेवा, डाक सेवा संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेशों और सामग्री के आदान प्रदान की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। नागरिकों को जो है संदेश और सामग्री, कोई भी छोटा जो लगेज वगैरह होता है, सामान होता है, उनको भेजना करना, वो किसके माध्यम से? डाक के माध्यम से। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्रियों को भौतिक तथा वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक से दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। कई सारी चीजें जो अपन मंगवाते हैं तो वो चीजें किस माध्यम से आती है? डाक के माध्यम से आ रही है। पहले जो है जो भी संदेश वगैरह भेजा जाता था तो वो डाक के माध्यम से भिजवाया जाता था। अभी भी कई महत्वपूर्ण जो पत्र वगैरह होते हैं वो डाक के माध्यम से ही आ रहे जा रहे हैं। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। जो डाक एवं संचार विभाग है ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र, लिफाफे तीन पारंपरिक साधन है। सामान्य डाक सेवा रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक पहुंचाया जाता है। डाक जो है तीन माध्यम से पहुंचाई जाती है, एक तो सामान्य डाक सेवा और एक रजिस्टर्ड पत्र। सामान्य नॉर्मल जो अपन पत्र भेज रहे हैं वो सामान्य में आ जाता है। रजिस्टर्ड जिस पर रजिस्टर्ड जो उसका टिकट लगता है वो उसी व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। स्पीड पोस्ट जिसमें बहुत तेज गति से वो पत्र जो है पहुंच जाता है, जो तेज गति से मतलब बहुत जल्दी किसी लिफाफे को पहुंचाना है तो स्पीड पोस्ट। सभी जानते हैं अपनी चीज को। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाते व मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। डाक घर में जो है बचत खाते खुलवाए जाते हैं, छोटी छोटी जो इनकम होती है उसको अपन डाक खाते में जमा करवाई जाती है, मनी ऑर्डर सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना, जो लड़की के जन्म होने पर आगे देर का है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है। जो
बेटी के जन्म होने पर यह खाता खुलवाया जाता है। फिर जो है प्रति महीना जितनी अपनी बचत होती है, छोटी छोटी बचत, वो अपने इसमें जमा करवा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। फिर जो निश्चित समय सीमा के बाद बेटी की जब शादी होती है या उसके जो पढ़ाई के खर्चे के लिए, फिर अपन पैसे उसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बैंक सेवाएं। बैंक सेवाएं, बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंक में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जो है जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देता है और ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करते हैं। बैंक में जमा राशि जो है अपन ATM, चेक, ड्राफ्ट आदि द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है, जो भी गोल्ड वगैरह इस प्रकार के रखते हैं। और सभी जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करते हैं। तो सभी बैंक किसके अधीन कार्य करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में इसकी स्थापना होती है, जो भारत का जो सरकारी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी सभी बैंक जो इसके अधीन RBI के अधीन कार्य करती है। चले आगे बात करते हैं परिवहन सेवा। परिवहन सेवा राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। यदि राज्य में औद्योगिक विकास करना है और व्यापार बढ़ाना है, कुछ बाहर से सामान जो आवश्यक चीजें लानी है या बनी हुई चीजों को बाहर भेजनी है, तो उसके लिए परिवहन आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध है। राजस्थान में जो है कौन कौन से परिवहन उपलब्ध है? सड़क वाला भी है, रेल वाला भी है और वायु वाला भी उपलब्ध है। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है, क्योंकि कोई सागर महासागर राजस्थान के निकट नहीं है, इसलिए राजस्थान में कोई बंदरगाह नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह याद रख लेना, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ये राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह, राजस्थान में तो नहीं है बट राजस्थान के निकट बंदरगाह है। चलिए आगे बात करते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम इम्पोर्टेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये लाइन आपको याद रखनी है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई है। RSRTDC राजस्थान राज्य परिवहन निगम, राजस्थान राज्य परिवहन निगम, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की जाती है। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा हुआ है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और न्यूनतम जो लंबाई है वो कहाँ है? तो बताएंगे धौलपुर में है। सड़कों की सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो देर की है अपने जोधपुर में, और न्यूनतम लंबाई सड़कों की देर की है धौलपुर में। NH 15 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 15 है, जो पश्चिमी राजस्थान से होकर के गुजरता है अंतरराष्ट्रीय सीमा के समानांतर। NH 15 का जो नाम बदल दिया गया है 68, 11 और 62 है। नया नाम इसका 68, 11 और 62 है, NH 15 का नया नाम है। सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 71B है। 71B राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, अलवर जिले में है ये। इसका भी नाम बदल दिया गया है, 919 रख दिया जाता है, इसका नाम 919 है।
तो 71B का नया नाम क्या, 919। चलिए तो ये अपन ने सड़क परिवहन देखा था प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसमें जो सारी चीजें वो इम्पोर्टेंट है। रेल परिवहन की बात करें, रेल परिवहन जो है माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें जो है माल भी लाया ले जाया जाता है और यात्री भी आते जाते हैं रेल के द्वारा। राजस्थान में रेलवे के दो जोन है, इंपोर्टेंट है। राजस्थान में कितने रेलवे के जोन है, तो राजस्थान में दो रेलवे के जोन है, दो रेलवे जोन के अंतर्गत है राजस्थान में आता है। कौन कौन से है, एक तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है, और दूसरा पश्चिम मध्य रेलवे। इंपोर्टेंट है जी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कि राजस्थान में कौन कौन सा रेलवे जोन है, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे हैं, दो रेलवे हैं एवं पांच मंडल है। जोन पूछ ले तब तो दो है और मंडल पूछ ले तो पांच मंडल है। कौन कौन से, जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर और कोटा। रेलवे जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है इसका मुख्यालय भी याद रखना, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में, जयपुर में 2002 में इसको उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है 2002 में। और पश्चिम मध्य रेलवे इसका मुख्यालय है जबलपुर, जबलपुर है सॉरी जबलपुर इसका मुख्यालय है, पश्चिमी रेलवे का जबलपुर है। पश्चिमी रेलवे का जबलपुर है, मध्य प्रदेश में है। इस जबलपुर जो जोन है उसमें एक मंडल आता है कोटा। जबलपुर के अंदर कौन सा मंडल आता है, कोटा मंडल है, जो है जबलपुर मुख्यालय के अंतर्गत आता है। और उत्तर पश्चिमी रेलवे इसका मुख्यालय पढ़ने कहाँ देखा था, जयपुर 2002 में इसको उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है। और इस उत्तर पश्चिमी जो जोन है इसमें कौन कौन से मंडल आते हैं, जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर, ये जयपुर मुख्यालय के अंतर्गत आते हैं। कोटा जो है ये जबलपुर जोन के अंतर्गत पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। चले आगे बात करते हैं और क्या दे रखा है। राजस्थान का, भारत का सॉरी, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। तो यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में है। और यू भी पूछ सकता है पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है पश्चिमी पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। चलिए आगे बात करते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन की बात करें तो राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। जयपुर भी जुड़ा हुआ, जोधपुर भी जुड़ा हुआ है, उदयपुर भी जुड़ा हुआ, कोटा अजमेर यहाँ पर जो है एयरपोर्ट है। जयपुर का जो सांगानेर हवाई अड्डा है राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहां से विदेशों में हवाई जहाजें जाती है। ठीक है, तो एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा राजस्थान में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा, सांगानेर हवाई अड्डा 2006 में यहाँ से जो है ये चालू हो गया था 2006 में। ठीक है, यह देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजस्थान का पहला और देश का 14वां है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राज्य में 5 हवाई अड्डे, बीकानेर जैसलमेर सूरतगढ़ बाड़मेर फलोदी रातानाड़ा भारतीय वायुसेना के अधीन है। 5 हवाई अड्डे जो है वो भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के अधीन है। कौन कौन से, बीकानेर जैसलमेर सूरतगढ़ बाड़मेर फलोदी रातानाड़ा और हाँ ये जोधपुर ये हो गए हैं, ये आगे बात करते हैं। प्रमुख शब्दावली बौद्धिक यानी बुद्धि से संबंधित है, व्यापक यानी बड़ा, पारस्परिक यानी आपसी,
जीविकोपार्जन यानी जीने के लिए कार्य करना। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर आ जाएगी 66.11 और पुरुष साक्षरता दर पूछ लेता तो 79.19 और महिला साक्षरता दर पूछ लेता तो 52.12% है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अपन बताएंगे ये सॉरी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। 108 जो है वो स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 15 है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हो जाएगा 71B है। 15 का अपन ने नया नाम क्या देखा था? तो 15 का अपन ने नया नाम देखा था 68, 11 और 62। 71B का नया नाम क्या देखा था? 919 देखा था। तो ये था अपना जो 9वां अध्याय है, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो मिलेंगे अपन अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।